मित्रों, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने समय को सोच समझकर खर्च करें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है, उनके जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने तभी आप एम नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यम नाम वाले लोग जो होते हैं, इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है। कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत हमेशा रखते हैं। अपने मित्रों के लिए काफ़ी वफादार और सहयोगी साथी होते हैं। आत्मविश्वास इनमें भरपूर होता है। अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद होता है। हंसी मजाक करना पसंद होता है। परोपकारी होते हैं। दयालु स्वभाव के होते हैं। अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आकर्षित कर लेने वाले होते हैं। अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। इनको दूसरों की सहायता करके खुश हो जाते हैं। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। भावुक लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में आपको जनवरी से लेकर जून तक के समय में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। आपको दाखिला भी मिल सकता है अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं। और विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छा बेहतरीन समय है और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा को लेकर कोई ना कोई यात्रा आपकी हो सकती है जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में, वो यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। तो शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। मई और जून के महीने में आपको शिक्षा के मामले में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अप्रैल तक का समय बेहतर है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी होगी तभी आपको सफलता मिल पाएगी। बात करें व्यापार और नौकरी की, तो व्यापार और नौकरी के लिए अगर हम देखें तो मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक का ऐसा समय होगा जब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। व्यापार कारोबार में अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार है तो अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और जनवरी से लेकर मार्च तक के समय में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलता आपको सामान्य मिलेगी। और अप्रैल और मई और जून, ये तीनों महीने जो होंगे आपके व्यापार कारोबार के लिए बेहतर रहेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, उनका समय अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपको अपने बॉस के साथ किसी भी वाद विवाद से बचना है, खासकर मई और जून के महीने में। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और अपने साथियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए आपको ये जो 6 महीने होंगे यहाँ पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें धन की, तो धन के मामले में आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं है। धन का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहेगा, लेकिन आपको अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बने रहेंगे। आप देखेंगे कि जैसे अगर आप कोई व्यापार कारोबार करते हैं, आपकी कोई ऐसी पेमेंट थी जो आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो आपको मिल सकती है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे थे और आपने सोचा था कि अभी पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो पैसे भी आपको इन 6 महीनों में मिल सकते हैं। कुल मिलाकर धन और आय के लिए बेहतर समय रहेगा। आप जो भी व्यापार कारोबार नौकरी करते हैं वहां से आपकी आय भी होती रहेगी, लेकिन इन 6 महीनों में थोड़ा सा आपको धन और आय के मामले में बजट तो बनाकर चलना होगा, क्योंकि अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बने रहेंगे। जनवरी का महीना और आपका मई का महीना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कोई न कोई ज़्यादा खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपकी कोई न कोई यात्रा अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकती है। और जनवरी से अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें।
मई और जून के महीने में सामान्य परिणाम मिलेंगे। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो वो तलाश भी आपकी इन 6 महीनों में पूरी हो सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको ईमानदारी अवश्य रखनी होगी। वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। आपका साथी आपकी ईमानदारी की परख कर सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर संबंधों में ईमानदार नहीं है तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है तो आप अप्रैल तक के समय में दूर करने का प्रयास करें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। वहाँ पर आपकी बाड़ी के चलते बहुत जल्दी जल्दी गलतफहमियाँ देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ पर संबंधों में थोड़ा सा मधुरता बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा और बाकी स्वास्थ्य के लिए समय सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में आपको परिणाम बेहतर मिल जाएंगे। लेकिन अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है या फिर गैस से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना होगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखकर चलें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रविवार वाले दिन गाय को गुड़ रोटी खिलाएं और आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को केले खिलाएं। ये दोनों उपाय आप पूरे 6 महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एम नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। एम नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।